हेलो एवरीवन आई एम काजिल धामी एंड वेलकम टू माय चैनल पीपल टीचर आई होप आप सभी ठीक होंगी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश डिस्कस करूंगी बेसिकली मैं आप लोगों के लिए एक लिस्ट लेके आई हूँ जिसमें डिफरेंट मेथड्स और उनके इन्वेंटर के नाम लिखे गए हैं और साथ ही साथ हम इन मेथड से आए हुए इंपॉर्टेंट एम भी डिस्कस करेंगे जो कि आज तक के टैट एग्जाम में पूछे गए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग इस लिस्ट को जरा डिस्कस कर लेते हैं जो कि टीचिंग मेथड की लिस्ट बनाई गई है तो सबसे पहला मेथड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ह्यूरिस्टिक मेथड ह्यूरिस्टिक में ये जो ह्यूरिस्टिक वर्ड है इसका मतलब होता है फाइंड आउट यानी कि हम अगर किसी चीज़ को बच्चे को ढूंढना फाइंड करना या फिर डिस्कवरी करना सिखाते हैं तो इसके लिए ये टर्म यूज किया जाता है ह्यूरिस्टिक वर्ड और ये मेथड हमें इन्वेंट करके दिया था आर्मस्टोंग ने अब चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं नेक्स्ट मेथड आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट है प्ले वे मेथड जिसमें हम बच्चे को खेल खेल में किसी नई चीज़ को सिखा रहे होते हैं यहाँ पे बच्चा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर पाता है और एक्टिविटी के थ्रू किसी नए कॉन्सेप्ट को बच्चा सीख रहा होता है और ये जो मेथड है ये हमें दिया था फबैल और हेनरी कोक ने अब चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं नेक्स्ट मेथड आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है किंडर गार्डन मेथड किंडर गार्डन में ये जो किंडर वर्ड है किंडर का मतलब होता है टॉय जिसे हम खिलौने के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे बच्चा टॉयज वगैरह की मदद से अपने मोटर स्किल्स को डेवलप कर रहा होता है और कहीं ना कहीं एक नई लर्निंग की तरफ बढ़ रहा होता है और ये मेथड हमें दिया था फोबैल ने अब चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं नेक्स्ट मेथड आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट मेथड यहाँ पे है प्रोजेक्ट मेथड जिसमें टीचर स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट असाइन कर लेती है और बेसिकली टीचर कुछ क्लूज देगी और उन क्लू के मदद से बच्चा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा और यहाँ पे बच्चे की ग्रुप लर्निंग और साथ ही साथ कोई नई चीज़ को डिस्कवरी करने का तरीका और किसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने के लिए बच्चे को एक तरीके से यहाँ पे इनक्रेजमेंट मिलती है और इस मेथड को इन्वेंट करके दिया था जॉन डेवी ने अब चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड आप यहाँ पे देख सकते हैं अगले मेथड का नाम है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ये दो अलग अलग मेथड है इंडक्टिव मेथड में हम बच्चे को पहले कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और उसके बाद बच्चे को फॉर्मूला या फिर आप रूल बाद में बताते हो जैसे कि ये प्राइमरी क्लासेस में यूज़ होता है अगर आपको जैसे नाउन का टॉपिक हमें बच्चे को इंट्रोड्यूस करना है तो हम सीधा ये नहीं बताते नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग इस तरीके से बच्चा उस डेफिनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाएगा हम बच्चे को कुछ प्ले वे एक्टिविटी से हम बच्चे को बोर्ड में कई सारे नाम कई सारे प्लेस वगैरह दे देते हैं और बच्चे को कहते हैं इनमें से जितने नेम हैं आप उसे सर्कल कीजिए जितने प्लेसेस हैं उन्हें अंडरलाइन कीजिए और जितने थिंग हैं आप उसमें एरो लगा दीजिए इस तरीके से बच्चा गेम गेम में यहाँ पे नाउन का कॉन्सेप्ट सीख जाता है और इस तरीके से जब हम बच्चे की लर्निंग कराते हैं वो इंडक्टिव मेथड होता है जिसे हम आगमन विधि के नाम से भी जानते हैं अगला है डिडक्टिव मेथड डिडक्टिव मेथड में बच्चे को पहले ये रूल्स या फिर आप कह लीजिए फॉर्मूले बता दिए जाते हैं और उसके बाद बच्चा उसका एप्लीकेशन सीखता है ये आपके हायर क्लासेस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है जहाँ पे मैथमेटिक्स में मेनली क्या किया जाता है पहले फॉर्मूले वगैरह बता देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बच्चे को एप्लीकेशन बताते हैं दोनों ही मेथड अपनी अपनी जगह सही है अब देखिए ये दोनों मेथड हमें दिए थे ने जिन्हें हम एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं अगला मेथड हमारे सामने क्वेश्चन आंसर मेथड जिसमें हम बच्चे को क्वेश्चन आंसर इंटरेक्शन करना सिखाते हैं बच्चा मेनली क्वेश्चन आंसर पे यहाँ पे पकड़ बना पाता है और ये मेथड हमें दिया था सॉक्रेट ने जिन्हें हम सोकरांत के नाम से भी जानते हैं अब चलिए अगला मेथड देखते हैं अगला मेथड है लेक्चर मेथड यहाँ पे लेक्चर मेथड में टीचर का ज़्यादा कमांड रहता है और ये टीचर सेंटर मेथड माना गया है टीचर सेंटर मेथड इसलिए कि टीचर क्लासरूम में आएगी और टीचर वहाँ पर लेक्चर देगी और उस लेक्चर को बच्चा सुनेगा समझेगा और अपने नोट्स को कंप्लीट करेगा ये मेथड उतना ज़्यादा कन्वीनियन नहीं माना जाता छोटी क्लासेस में बड़ी क्लासेस में कहीं ना कहीं इस मेथड को यूज़ किया जाता है और ये मेथड हमें दिया था प्लूटो ने अब चलिए लास्ट मेथड देखते हैं लर्निंग बाई ऑब्जर्वेशन यानी कि अपने आस पास की चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करके हम जो नई लर्निंग करते हैं इसे बोलते हैं लर्निंग बाई ऑब्जर्वेशन जो कि हमें अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था अभी देखिए मैंने आपके साथ कुछ लिस्ट यहाँ पे डिस्कस की अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हूँ जो कि मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश से आए गए हैं पहला क्वेश्चन है लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाशियशन इन डैश मेथड मतलब हमारे सामने चार मेथड यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें से हमें बताना है कि प्रोनाशिएशन पे कम या फिर आप कह लीजिए ना के बराबर ध्यान किस मेथड में दिया जाता है चार मेथड कुछ इस तरीके से पहला है ऑडियो लिंगुल देखिए ऑडियो में ये जो ऑडियो वर्ड है ये साउंड के लिए यूज़ किया जाता है और साउंड के यूज़ में हम प्रनउंशिएशन पे ध्यान देते हैं थर्ड मेथड आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है और कम्युनिकेशन के टाइम में भी हम साउंड पे फोकस करते हैं नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं एस जो कि है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग जिसमें टीचर एक सिचुएशन प्रोवाइड करती है और सिचुएशन के बेसिस पे बच्चों को आगे बढ़ना होता है इसमें भी कम्युनिकेशन पे फोकस किया जाता है इकलौता मेथड जिस पे प्रनाउंशिएशन पे कम ध्यान दिया जाता है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने हु गेव क्वेश्चन आंसर मेथड इनमें से कौन है जिन्होंने क्वेश्चन आंसर मेथड हमें दिया था अभी मैंने आप लोगों के साथ एक लिस्ट डिस्कस की जिसमें मैंने बताया कि क्वेश्चन आंसर मेथड हमें किसने दिया था सोक्रेट ने दिया था तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्लासरूम कम्युनिकेशन इज कॉमनली कंसिडर एज क्लासरूम के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है जो वार्तालाप होता है उसे हम कॉमनली क्या बोलेंगे पहला ऑप्शन है यहाँ पे इफेक्टिव नेक्स्ट है कॉग्निटिव नेक्स्ट है अफेक्टिव या फिर सिलेक्टिव देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन को हम सिलेक्टिव तो नहीं बोल सकते क्योंकि हम सिलेक्टिव चीज़ों को कम्युनिकेट थोड़ी करेंगे कम्युनिकेशन के टाइम में तो जो हमारे मन में आता है जो बात हमारे मन में आ रही है हम वो बोल देते हैं तो सिलेक्टिव नहीं होता हाँ हालांकि इफेक्टिव तो होता है आप अपनी बात को इफेक्टिवली किसी और के सामने रखोगे पर जरूरी नहीं है कि हर टाइम कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो नेक्स्ट है कोगनेटिव कोगनेटिव हमारे संज्ञान से रिलेटेड होता है और देखिए कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के टाइम में हम लोगों को कोगनेशन का यूज़ करना पड़ता है पर कहीं ना कहीं जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम अपनी मन की फीलिंग किसी और के सामने रखते हैं जो हमारे मन में चल रहा होता है हम दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो क्लासरूम के अंदर बच्चे कम्युनिकेशन करते हैं चाहे वो आपके साथ चाहे वो अपने पीयर ग्रुप के साथ वो अफेक्टिव होता है वो उनके इमोशन से जुड़ा हुआ है तो यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आर पासव इन स्टूडेंट इनमें से कौन से मेथड में पासव होता है पहला है प्रोजेक्ट मेथड जिसमें प्रोजेक्ट टीचर असाइन कर लेती है और बच्चों को उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आगे पढ़ना होता है नेक्स्ट है डिस्कवरी मेथड देखिए डिस्कवरी में स्टूडेंट पैसिव नहीं हो सकता पैसिव का मतलब है स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और दो तरीके के लर्नर होते हैं एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव एक्टिव में स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और पैसिव में वो टीचर की बात सुन रहा होता है तो डिस्कवरी मेथड में तो पैसिव नहीं हो सकता वो खुद डिस्कवरी कर रहा है वो कुछ फाइंड करने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर यह पैसिव नहीं हो सकता नेक्स्ट है लेक्चर मेथड यानी कि लेक्चर टीचर दे रही है और बच्चा उस लेक्चर को सुन रहा है नेक्स्ट है इंक्वायरी मेथड देखिए इंक्वायरी में भी बच्चे को अलर्ट एक्टिव रहना पड़ेगा तो यानी कि इंक्वायरी मेथड में भी स्टूडेंट पैसिव नहीं हो सकता ये दोनों ऐसे मेथड हैं जिनमें बच्चा एक्टिव रहेगा और अब बच गए हमारे पास पहला और थर्ड ऑप्शन देखिए प्रोजेक्ट टीचर असाइन जरूर करती है बट उस प्रोजेक्ट पे काम करता है स्टूडेंट करता है तो वहाँ पे भी वो पैसिव पैसिव नहीं हो सकता अगर होगा तो स्टूडेंट का जो प्रोजेक्ट है वो खराब होने के चांसेस हो सकते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइनियर ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड पॉइनर मतलब जो इन्वेंटर होता है जिन्होंने डिस्कवरी की होती है और ह्यूरिस्टिक मेथड डिस्कवर किया था हमने डिस्कस किया था उस लिस्ट में फर्स्ट में ही आर्मस्टॉन्ग ने तो इस क्वेश्चन का जो डायरेक्ट और करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल फॉर हेट्रोजिनस क्लासरूम यानी कि आपकी अगर एक क्लास हेट्रोजीनस है हेट्रोजीनस और होमोजीनस में डिफरेंस समझिए होमो का मतलब होता है सेम यानी कि सेम टाइप के कल्चर से सेम टाइप की लैंग्वेज और सेम टाइप के उन लोगों का जो थॉट पैटर्न है वो चल रहा है और हेट्रो का मतलब होता है जो डिफरेंट वर्ड को इंडिकेट करता है और हेट्रो से यहाँ पे मतलब है कि उनकी अलग अलग लैंग्वेज है उनका अलग अलग कल्चर है आपकी जो क्लासरूम है वो अगर हेट्रोजीनस है यानी कि बच्चे जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आएँ तो आप इनमें से कौन से मेथड को ऑप्ट करना ज़्यादा पसंद करोगे पहला ऑप्शन है बाइलिंग यानी कि आप दो मेथड दो लैंग्वेज से आप समझाओगे या फिर ट्रांसलेशन कम ग्रामर यानी कि आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ करोगे जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ आप ट्रांसलेट करते चले जाओगे या फिर एक डायरेक्ट मेथड जहाँ पे आप परवाही नहीं करोगे कि आपके स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है आप अपने अकॉर्डिंग आप देखोगे और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाओगे या फिर सब्सट्यूशनल टेबल सब्सिट्यूशनल टेबल में आप अपने टीचिंग मेथड को या फिर आप कह लीजिए आप अपने वे को सब्सिट्यूट करते जाओगे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट डिमांड देखिए यहाँ पे जो करेक्ट मेथड बैठना चाहिए वो बैठना चाहिए ट्रांसलेशन कम ग्रामर जो आपकी क्लास है वो एक ही क्लास है जिसमें बच्चों का बैकग्राउंड अलग अलग है तो आपको अगर लगे कि स्टूडेंट को कहीं पे समझ में नहीं आ रहा तो आपको वहाँ पर उन्हें ट्रांसलेट करके समझाना चाहिए आप हर बारी में सब्सिट्यूट करते रहोगे तो वो क्लास थोड़ा सा कोरस बन जाएगी और थोड़ा अगर ओवर क्राउडिड क्लास होगी तो वहाँ पे सब्सटिट्यूशनल वर्क नहीं करेगा डायरेक्ट मेथड तो बिल्कुल यहाँ पे इनकरेक्ट है कि आप डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हो जो लैंग्वेज आपको टीच करना है तो ये गलत है बाईलेंग्ल इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि बाईलंगुल मेथड में देखिए हम सिर्फ दो लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि हमारी क्लास एक हेट्रोजीनस क्लास है हेट्रोजीनस अगर मेरी क्लास है तो वहाँ पर जरूरी थोड़ी कि दो ही बोलने वाले है दो से ज्यादा लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट भी हो सकते हैं तो आप बाई यूज नहीं कर सकते अगर मल्टीलैंग्वेल होता तो कहीं ना कहीं ये सही बैठता अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने लेक्चर मेथड इज द मोस्ट वैल्यूबल इन वैसे तो हम लेक्चर मेथड को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि लेक्चर मेथड अच्छा नहीं है इस मेथड को हमें यूज नहीं करना चाहिए बट कहीं ना कहीं इसकी क्या वैल्यू है ये कहाँ पे वैल्यूबल होता है तो देखिए हमारे सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं पहला है इन्हेंसिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन यानी कि इससे आप स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ाओगे देखिए लेक्चर दे के आप स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ा सकते यहाँ पे आप अपने कंटेंट को डिलीवर कर रहे हो वहाँ पे स्टूडेंट पैसिव है तो पार्टिसिपेशन तो बढ़ने से रहा नेक्स्ट है सॉल्विंग स्टूडेंट प्रॉब्लम यानी कि इससे आप स्टूडेंट के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे हाँ कुछ हद तक स्टूडेंट के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं बट क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट पैसिव है तो आप ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट के आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो नेक्स्ट है प्रमोटिंग सेल्फ़ स्टडी इससे आप सेल्फ़ स्टडी को प्रमोट कर रहे हो आप यहाँ पे कहाँ सेल्फ स्टडी करा रहे हो आप आ रहे हो क्लासरूम में आप अपना टॉपिक डिलीवर कर रहे हो और जा रहे हो यहाँ पे सेल्फ स्टडी भी प्रमोट नहीं हो रही और लास्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग इन डेफ्थ नॉलेज यानी कि आप स्टूडेंट को इन डेफ्थ नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो क्योंकि आप क्लास में आ रहे हो और अपने टॉपिक को वहाँ पे डिलीवर कर रहे हो और स्टूडेंट उस टॉपिक को समझ रहा है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को एक इन डेफ्थ नॉलेज मिल रही है अगर वो स्टूडेंट सही से सुन रहा है आपकी बात तो इसमें कहीं ना कहीं फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बैठेगा आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इस वीडियो में इतना ही बाय बाय टेक केयर